हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल मजे में होंगे। दोस्तों आज की रेसिपी है करेले की। हम बनाएंगे करेले की बड़ी चटपटी लजीज सब्जी, लेकिन बहुत ही आसानी से बनाएंगे। ये दिखने में तो भरवा करेले की लग रही है, लेकिन ये भरवा करेले तो है, लेकिन इन्हें बिना भरे हमने यूं ही बनाया। बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी क्विकली बनती है सब्जी। बच्चों से बड़ों को सबको अच्छी लगती है। जो लोग करेले नहीं खाते तो इसकी भुर्जी खुश होकर खाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस आसान सी डिश को। इसके लिए हमें चाहिए करेले, आप 6 से 7 या जितने करेले आप बनाना चाहें ले लें। आप ताजे करेले लें, कई बार करेले रखे रखे पुराने हो जाते हैं और अंदर से छिलका पक जाता है और खाने में अच्छे नहीं रहते, तो फ्रेश करेले लें, उन्हें अच्छे से छील लें। देखिए करेलों का मैंने छिलका उतार लिया। और दोस्तों इस सब्जी की खासियत यह है कि इसके छिलके हम फेंकेंगे नहीं, हम छिलकों को भी साथ ही करेलों के पकाएंगे और छिलके खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब इस तरीके से करेलों का छिलका उतार लें और बीच में से चीरा लगा लें। तो देखिए मैंने इन्हें सबको काट तो लिया है और अब मैं इस पर नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। करेले पर लगाकर थोड़ा सा नमक रखने से थोड़ी देर करेलों का थोड़ा कड़वापन कम हो जाता है। तो आप करेले के छिलकों पर भी थोड़ा नमक स्प्रिंकल कर दें, आधा टीस्पून के करीब बहुत रहेगा। ऐसे हाथ से अच्छे से मल लें। इसी तरीके से दोस्तों आप करेलों को भी थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा मल लें। इससे क्या होगा, करेले थोड़ा सा अपना जो कड़वा रस है वो छोड़ देंगे। और जब इन्हें हम 15 मिनट के लिए, मैं इसे रख रही हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखूंगी, मैंने 15 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ दूंगी, थोड़ा सा कड़वापन निकल जाएगा। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो देखिए 15 से 20 मिनट से मैंने करेलों को नमक लगा कर रखा हूँ। आप देख सकते हैं करेलों के ऊपर थोड़ा रस आ गया है, इनका कड़वा रस जो है वो निकल रहा है। मैं इन्हें अच्छे से खुले पानी में धो लूंगी। इसी तरीके से छिलकों को भी हम अच्छे से खुले पानी में धो लेते हैं। आप रनिंग टैप यानी चलते पानी में करेलों को अच्छे से धो लें ताकि इनमें से कड़वापन जो है कुछ हद तक अच्छे से निकल जाए। मैंने इन्हें 15 मिनट के लिए रखा था नमक लगाकर, आप चाहें तो 15 मिनट से 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से स्क्वीज कर लें और धो लें। इसी तरीके से दोस्तों करेले के छिलकों को भी मैं धो रही हूँ चलते पानी के नीचे। आप इस तरीके से अच्छे से धोएं और इस तरह से मुठियां बनाकर अच्छे से निचोड़ लें ताकि कड़वापन निकल जाए। करेले के कड़वाहट ज्यादातर छिलकों में होती है, तो अच्छे से धो लेते हैं। तो देखिए करेले और करेले के छिलके पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। इन्हें मैंने धोकर रख लिया है और इन्हें हम एक तरफ रख देते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए आलू, प्याज, हरी मिर्च और अदरक। अदरक और हरी मिर्च दोस्तों अगर आप ऐड ना करें तो भी कोई बात नहीं, प्याज और आलू जरूर ऐड करें, इससे करेले बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैं 2 से 3 प्याज ले रही हूँ जिन्हें मैंने पतले स्लाइस कर लिए, और आलू को भी दोस्तों इस तरह से मैंने पतला और लंबा काटा हुआ है। इससे करेले बहुत अच्छे बनेंगे, करेलों के साथ एक स्पेशल सी भुर्जी बन जाएगी जो खाने में अच्छी लगेगी। सूखे मसालों में दोस्तों हमें चाहिए थोड़ी सी सौंफ, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर। जब भी आप करेले बना रहे हैं ये 3 मसाले जैसे कि सौंफ, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर जरूर ऐड करें। आप करेले कैसे भी बनाएंगे अच्छे बनेंगे। मैं 7 करेले बना रही हूँ, तो मैंने 2 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया। आपको ज़्यादा खट्टे चाहिए तो आप 3 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक ऐड करेंगे। करेलों को मैं सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में कुक करूंगी। आप घर पर जो भी रिफाइंड ऑयल यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे बहुत ही लजीज करेले की बहुत ही फटाफट वाली सब्जी बनेगी और खाने में जो बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों पैन में सबसे पहले लेंगे आप ऑयल, मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ और मैंने ये 2 से 2.5 टेबल स्पून लिया है। इसे अच्छे से गर्म करेंगे। सरसों का तेल जब भी इस्तेमाल करें उसे अच्छे से पहले तपा लें। तो देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करेले जिन्हें हमने अच्छे से धोकर चीरा लगाकर रखा हुआ है। आप सभी करेले गर्मा गर्म तेल में डाल दें और इन्हें हम फ्राई करेंगे। आप दोस्तों अभी तेल बहुत गर्म है तो मैंने आंच को बिल्कुल कम कर दिया है ताकि हमारे करेले एकदम से जल ना जाएं। तो देखिए गर्मा गर्म तेल में करेले फ्राई हो रहे हैं और मैंने आंच को पहले कम किया था, अब मैं मीडियम कर दूंगी। करेलों को ना हम बहुत तेज आंच पर ना ही बहुत कम आंच पर कुक करेंगे। हम चाहते हैं इनकी जरा अच्छे से कुकिंग हो, ये एकदम से कच्चे भी ना रहे और इतने ज़्यादा भी टाइम ना लगे हमें पकाने में। तो आप आंच को मीडियम रखें और मीडियम आंच पर इसे तब तक कुक करें जब तक इनका छिलका थोड़ा सा रंग ना बदल जाए। इसका रंग थोड़ा सा ब्राउन और गोल्डन हो जाएगा और इन्हें तब तक पकाएंगे। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर करेले बहुत अच्छे से कुक हो रहे हैं और हल्के हल्के कुक होने भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी कहाँ कहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हरा रंग, तो मैंने थोड़ा सा और पकाऊंगी 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट में करेले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे हमारे जितने हमें कुक करने थे। तो देखिए करेले हमारे कुक हो गए हैं, हमें इतना ही कुक करना था, बाकी हम इन्हें मसाले के साथ पकाएंगे। अब करेलों को इस तरह से निकाल लें, इनका तेल स्क्वीज करें, निकालें और इन्हें प्लेट में रख लें और सभी करेलों को आप इसी तरीके से तेल से निकाल लें।
तो देखिए आधी सब्जी तो हमारी बन गई, हमारे करेले जो है कुक हो गए। अब हम उसी बचे तेल में बाकी तैयारी कर लेते हैं। तेल गर्म है, अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। दोस्तों मैंने आलू को थोड़ा पतला काटा हुआ है, आप अपनी पसंद से आलू काट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पतले लंबे काटेंगे तो क्या जल्दी कुक हो जाएंगे, इनकी भुर्जी बहुत अच्छी बनेगी करेले के साथ। साथ ही मैं इसमें अब करेले के सभी छिलके जिन्हें मैंने पहले धोकर रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ। हमारे आलू फ्राई होंगे, साथ ही करेले के छिलके भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे। इन्हें हम तब तक कुक करेंगे जब तक आलू अच्छे से गल ना जाए, तो इसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप फ्लेम को तेज कर दें ताकि अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए आलू। दोस्तों आलू की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, मैंने 2 आलू ऐड किए हैं, 2 से ज्यादा या कम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं तेज आंच पर करेले के छिलकों और आलू को अच्छे से कुक कर रही हूँ, 2 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। देखने में लग रहा है आलू बहुत अच्छे से गल गए, आप देख सकते हैं देखने से हमें लग रहा है, कुछ आलू के टुकड़े टूट भी गए हैं। तो ये दोस्तों मैंने पतले इसीलिए काटे हैं ताकि आलू के अच्छे से करारे कुरकुरे सिकाई हो जाए और ये बिल्कुल करेलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें साथ में ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची जिन्हें मैंने चीरा लगा कर रखा हुआ है, थोड़ा सा लंबा कटा अदरक। अदरक से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आप ऐड करना चाहें जरूर ऐड करें। साथ में दोस्तों प्याज ऐड करेंगे हम, स्लाइस्ड अनियन। स्लाइस्ड अनियन न सिर्फ स्वाद देंगे, फ्लेवर देंगे, बल्कि मीठापन भी देंगे। हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से आलू के मसाले में मिक्स कर लें। हमारी बहुत अच्छी सी करेले की छिलके की भुर्जी बन रही है जो कि खाने में बहुत अच्छी होगी। प्याज से दोस्तों बहुत अच्छा फ्लेवर आता है करेलों में, आप जरूर ऐड करें। अब मैं इसमें ऐड करी सभी सूखे मसाले, यानी 2 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर, 2 से 3 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। ये सभी सूखे मसाले ऐड करें और अच्छे से तेज आंच पर इन्हें मिक्स कर लें प्याज की और छिलकों की भुर्जी के साथ। मसाले ऐड करें और साथ ही ऐड करें इसमें तले हुए करेले जिन्हें हमने पहले से ही तल कर रखा हुआ है। दोस्तों तेज आंच पर आप करेलों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लें। ये आलू और छिलकों की भुर्जी है जिसमें हमने प्याज ऐड किया, अब हम करेले मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों हमने सभी चीजें ऐड कर दी, आप देख सकते हैं कितना सुंदर रंग आए, खाने में बहुत अच्छे होंगे। लेकिन हमने अभी तक इसमें नमक नहीं ऐड किया है, तो हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। हमने करेले पर पहले ही नमक लगाकर रखा हुआ था और छिलकों पर भी हमने नमक लगाया था, तो हम कम ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। करेलों में अगर नमक तेज हो जाए तो खाने का सारा स्वाद खराब हो जाता है। तो देखिए नमक भी ऐड हो गया, हमारे करेले जो है बिल्कुल बन के रेडी हो गए। लेकिन अभी थोड़ा सा हम चाहते हैं कि खाने में सॉफ्ट रहें, क्योंकि अभी हमें कुरकुरे करेले हमने फ्राई किया था। और साथ ही दोस्तों आमचूर की थोड़ी खटाई जो है और साथ में सौंफ की जो मिठास है वो भी करेलों में अच्छे से आ जानी चाहिए। हम करेला खाएं तो कड़वा ना लगे, खाने में बहुत ही फ्लेवरफुल लगे। तो इसके लिए जरूरी हम इसे 10 मिनट के लिए दम दें। आप सिर्फ 10 मिनट के लिए दम दें क्योंकि सारी सब्जियां पहले से कुक्ड है। 10 मिनट में करेलों को सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर देख लेते हैं, हमारे करेले बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। दोस्तों कोई भी सब्जी आप सूखी पकाएं, इस तरह से ढककर पकाएं, अब देखिए बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आंच को तेज करके 1 मिनट के लिए भून लूंगी। कोई भी आप सूखी सब्जी पकाएं तो जब भी गैस बंद करनी है उससे पहले 1 मिनट आप तेज आंच पर भून लें ताकि हल्का सा भी मॉइस्चर हो तो वो सूख जाए, सब्जी खाने में और अच्छी लगे। तो देखिए सब्जी हमारी पक गई है, मैंने 1 मिनट तक तेज आंच पर भून लिया अपने करेलों को जो कि बहुत ही लजीज लग रहे हैं, और इसके साथ जो हमने भुर्जी बनाई आलू प्याज की छिलकों की वो भी बहुत ही लजीज बनी होगी। तो लीजिए दोस्तों बनकर रेडी हो गए आपके लिए गर्मा गर्म करेले। ये हैं भरवा करेले जिन्हें हमने बिना भरे बनाया और साथ में हमने वेस्टेज बिल्कुल नहीं किया, हमने करेले के छिलकों को भी बहुत स्वाद रूप दे दिया, बहुत अच्छी सी आलू प्याज की भुर्जी बना दी। दोस्तों जो लोग करेले नहीं खाते वो भी खाने लग जाते, इतने अच्छे बनते हैं करेले, और साथ में छिलकों के साथ पकाना ही चाहिए हमें ताकि हमें सारी गुडनेस मिल सके। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको करेले की सब्जी की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे जरूर बनाने भी वाली हैं। अगली बार दोस्तों नई रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें और मेरा चैनल कुक विद मोनिका जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।